हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मा रोग यूट्यूब चैनल फार्मा रोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज़ वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द डिस फीवर सो हम अलग अलग डिसीज के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं एंड आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फीवर तो फीवर के ट्रीटमेंट उसके रिलेटेड मेडिसिन फीवर होने के जो कारण होते हैं रीजन्स वगैरह उसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह से डायग्नोसिस की जाती है एंड किस तरह से ये डिसीज़ को हम मैनेज करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं कि जो फीवर एक कंडीशन कही जाती है कि जिसके अंदर स्पेशली हमारा बॉडी uh, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है तो इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में सो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर सो बी अपडेटेड विद द फॉर्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल एम्प्रेस ऑन द बेल आइकॉन ए नवर मिस एन ए वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन इज नाउ अवेलेबल सो लर्न ऑनलाइन थ्रू आवर ऑनलाइन कोर्सिस विच आर अवेलेबल ऑन फार्मारॉक्स एप सो डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड्रॉइड ऐप ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन ऐप ऑन एप स्टोर तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो वहां से आप ऐप को डाउनलोड करिए सो यू विल फाइंड द स्टडी मटेरियल ऑन द मोबाइल एप्लीकेशन की जो जी पैट नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए स्पेशली अवेलेबल है पी डी एफ एंड पी पी डीज ऑफ अवर लेक्चर इन अफोर्डेबल प्राइस जैसे सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन है वैसे ही प्रिंटेड का भी ऑप्शन है फॉर द सेम एग्जामिनेशंस जी पैट नाइपर डी आई एन फार्मासिस्ट एग्जाम ऑल्सो यू विल फाइंड द टेस्ट सीरीज फॉर जी पैट फार्मासिस्ट डी आई एग्जाम नाइपर एंड वेल्यूएल वीडियो लेक्चर ऑन द एप सो गेट दिस ऑल फैसिलिटीज ऑन अवर एप फॉर्मर ऑक्स एंड्रॉड एप्लीकेशन ऑन गूगल प्लेज वेल एज एपल आई फोन एप ऑन एप स्टोर तो लिंक्स के लिए आप डिस्क्रिप्सन बॉक्स को जरूर से चेक करिए हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है नाइन जीरो टू जीरो पे आप जरूर से व्हाट्सएप करिए या फिर यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर एंड ऑल्सो द स्टडी मटेरियल तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर में तो सबसे पहले हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज फीवर सबसे पहले यही है कि व्हाट इज फीवर अ फीवर इज ए बॉडी टेम्परेचर दैट इज हायर देन नॉर्मल फीवर कि जिसको हम कोई डिसीज भी नहीं कहते ना ही कोई डिफेक्ट कहते हैं ना ही है कोई डिसऑर्डर कहते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिसीजेस को डिसऑर्डर्स को डिफेक्ट को अकॉर्डिंग टू द फॉर डी कि फॉर डी जो होते हैं कि एक होता है डिफेक्ट होता है फिर दूसरा जी होता डी होता है वो होता है डेफिशिएंसी फिर डिसऑर्डर एंड डिसीज तो ऐसे जो चार डी हमने सीखे हैं अलग अलग तो उसके एक भी डी के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं है जिसका रीज़न यही है कि फी फीवर कोई ऐसे डिसीज ही नहीं है ना ही कोई ऐसे डिफेक्ट है या फिर कोई ऐसा डिसऑर्डर है या फिर कोई हम उसको डेफिशेंसी कह सके बट एक ऐसे कंडीशन है फीवर कि जिसके अंदर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो हायर होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको अच्छे से याद रखना है रिगार्डिंग द फीवर के फीवर इज ए बॉडी टेम्परेचर इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन भी इसी तरह से कि फीवर इज ए बॉडी टेम्परेचर दैट इज हायर देन नॉर्मल कि किसी भी पर्सन को आप देखें तो उसका जब ये बॉडी टेम्परेचर जब आपको नॉर्मल से हायर देखने को मिले कि जब आप उसका टेम्परेचर चेक करो बाय यूजिंग थर्मोमीटर और वो टेम्परेचर हायर मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल तो उसको हम कहते हैं फीवर अब हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है तो नॉर्मल टेम्परेचर कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट इट इज़ यूजली अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कि किसी भी पर्सन का जो हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब फ़ारेनहाइट यूनिट होता है तो उसके अंदर हम कंसिडर करते हैं नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फ़ारेनहाइट की जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कहा जाता है तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से हमारा जब टेम्परेचर काफी हाई होता है तो वो कंडीशन कही जाती है फीवर फेरन में देखे तो 98.6 और जब सेल्सियस के अंदर हो तो वो हम लिखते हैं इक्वल टू 30 सेवन डिग्री सेल्सियस की जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस यूनिट और फेरेन हीट में नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फेरेन हीट की दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेस्चन्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है एंड यह एक और पॉइंट की जो आपके लिए काफ़ी न्यू होगा कि फीवर इज ऑल्सो कॉल ए पायरेक्सिया तो फीवर के लिए एक और टर्म की वी के वी ऑल्सो कॉल अ फीवर टू पायरेक्सिया तो फीवर तो यूजली हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर कंपेर टू नॉर्मल कि जो नॉर्मल है नॉर्मल से हाई होता है कि 98.6 डिग्री फेरन से जब हाई होता है या फिर सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेल्सियस से जब किसी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर हाई होगा तो उसको हम कहते हैं फीवर और उसका एक और नाम है वो है पायरेक्सिया तो ये आप याद रखिए कि पायरेक्सिया वही फीवर कि फीवर को एक और नाम दिया गया है पायरेक्सिया तो ये भी आपको याद रखना है तो फीवर का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो ये अलग अलग उसकी जो वैल्यूज है फीवर के टेम्परेचर्स की तो वो आपको अच्छे से याद रखनी है तो ये पहले याद रखो कि फीवर फीवर इज नॉट ए डिसीज़ ये पॉइंट आपके माइंड में खास होना चाहिए कि फीयर इज फीवर इज नॉट ए डिसीज़ कि जो फीवर है वो कोई डिसीज़ नहीं है ना ही कोई डिफेक्ट है ना ही कोई डेफिशेंसी है ना ही कोई डिसऑर्डर है इट इज़ यूजली ए साइन इट इज़ यूजली ए साइन दैट आवर बॉडी इज़ ट्राइंग टू फाइट एनिलनेस और इन्फेक्शन की जब हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो उस वक्त हमारा जो बॉडी है वो हार्मुल ऑर्गेनिजम्स के सामने प्रॉपर जो है वो फाइट कर रहेगी जैसे हमारे हम सीख रहे हैं सीखते हैं कि जो हमारा बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट अलग अलग क्या होते हैं इम्यून सेल हमारे इम्यून सेल्स कि जो हमें प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी तो जब हमारे बॉडी के अंदर जब कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के लाइक एंटीजन एंटर होते कि कोई वायरस है या फिर कोई बैक्टीरिया है या फिर कोई भी इन्फेक्टेड पैथोजन की जिसके कारण कोई भी डिजीज वगैरह हो सकती है आगे जाके तो ऐसी कंडीशन में वो एंटीजेंस के सामने हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज कि जो हमारा बॉडी सिस्टम उसके सामने क्या करता है फाइट बैक तो जो भी इन्फेक्शन है तो ये समझो कि इन्फेक्शन के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल कोजेटिव ऑर्गेनिज्म है और उसके सामने हमारी बॉडी फाइट करेगी कि ये जो इन्फेक्शन है वो कोज कर सकता है कोई कंडीशन के लाइक इलनेस जैसा तो उसके सामने फाइट करने के लिए हमारे बॉडी के अलग अलग इम्यून सेल्स जो है वो अच्छे से फाइट बैक करते हैं और उसी दौरान हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज होता है तो कोई डिसीज कंडीशन नहीं है ये जस्ट यूजअली अ साइन एक साइन है किससे आपको पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसी हलचल हो रही है जिससे आपको पता चलता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो फाइट कर रही है अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन और इलनेस तो इन्फेक्शंस कोज द मोस्ट ऑफ द फीवर्स फीवर होने का मेन रीजन हम देखें तो वो है इन्फेक्शंस बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस के कारण फीवर हो सकता है तो ये जो टेम्परेचर रेंजेज आप खास याद रखो कि जब माइल्ड फीवर होता है किसी पर्सन को माइल्ड फीवर तो उस वक्त टेम्परेचर हम अलग अलग तरीके से नोट डाउन कर देखते तो ओरली देख चेक करते हैं थर्मोमीटर से तो वो टेम्परेचर हमें मिलता है हंड्रेड से लेकर हंड्रेड एंड वन पॉइंट फाइव के बीच में तो वो कहा जाता है माइल्ड फीवर वही आप अंडर आर्म के अंदर चेक करते हो तो नाइन्टी नाइन से लेकर हंड्रेड एंड वन में मिलता है रीडिंग आपको एंड जब आप रेक्टली चेक करते हो पेशेंट के टेम्परेचर तो वो हंड्रेड से लेकर हंड्रेड एंड पॉइंट फोर से लेकर हंड्रेड एंड टू जितना हाई होता है अब उसको मॉडरेट में कंपेयर करें हम माइल्ड से अब थोड़ी ऊपर की कंडीशन मॉडरेट तो उस वक्त ओरली टेम्परेचर जो 105 101.5 था वहाँ से 102.5 तक जा सकता है अंडर आर्म में जो 101 था उससे 102 तक जा सकता है एंड रेक्टल में जो एक सौ दो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो सकता है हंड्रेड एंड थ्री तक मतलब कि एक डिग्री टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है माइल्ड के कंपेयर में कि माइल्ड में एक सौ एक पॉइंट फाइव था ओरली, तो एक सौ दो पॉइंट फाइव मतलब कि एवरेजली वन डिग्री सेल्सियस वन डिग्री फेरन हीट जितना टेम्परेचर और इंक्रीज हो रहा है मॉडरेट के अंदर और अब हाई फीवर तो हाई फीवर में जो मॉडरेट के कंपेयर में मॉडरेट के जो भी फाइनल डेटाज है उसके से भी काफ़ी हाई है कि मॉडरेट के जो रीडिंग्स से उससे भी काफ़ी हाई रीडिंग आपका मेज़र हो रहा है बाय थर्मोमीटर तो अ पर्सन हैव ए फीवर व्हेन ही और सी हैज़ ए मेजर टेम्परेचर ऑफ हंड्रेड पॉइंट फोर डिग्री फेरन और ग्रेटर और फील्स वार्म टू टच और गिव ए हिस्ट्री ऑफ फीलिंग फीवर इस किसी पर्सन को फीवर है ऐसा आप कम कब कह सकते कि जब उसका टेम्परेचर आप चेक करो तो यूजरली आपको मिले फेर एन हीट में हंड्रेड एंड पॉइंट फॉर डिग्री फेरन हीट सेल्सियस में मिले आपको थर्टी एट डिग्री सेल्सियस की जो हमारा नॉर्मल था थर्टी सेवन तो थर्टी सेवन से इंक्रीज होके 38 तक जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि पर्सन को फीवर हुआ है और या फिर उसको आप टच करो तो फील्स वॉम कि जब पर्सन को हम टच करें और गर्म फील होता है तो वो भी फीवर फिर फिर हम आगे डायग्नोसिस के लिए उसका प्रॉपर जो है वो टेम्परेचर चेक करते हैं उसी अकॉर्डिंग टू आगे उसके ट्रीटमेंट की जाती है तो इन द माउथ कि जब आप थर्मामीटर की को माउथ uh, में रख के जब चेक करते हो तो इन द माउथ द फीवर इज़ हंड्रेड फेरन हिट थर्टी सेवन पॉइंट एट डिग्री और हायर और जब वही थर्मामीटर को अंडर आर्म्स में रखते हैं तो अ फीवर इज़ नाइंटी नाइन थर्टी सेवन पॉइंट टू और हायर अब पर्सन टू पर्सन ये वैल्यूज वेरी हो सकती है बट ये वाली जो है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज ये वाली स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको अच्छे से याद रखनी है कि ये वाला टेबल आपके लिए है प्राइम इम्पोर्टेंट इसी टेबल पे अकॉर्डिंग टू आपको है वो याद रखना है फीवर की तीनों कंडीशन माइल्ड मॉडरेट एंड हाई फीवर और तीनों अलग अलग आ, लोकेशंस के जहाज तो औरल से आप टेम्परेचर मेजर कर देखते हो ओरली ओरल्स रूट ओरल से मतलब कि ओरल कैविटी के अंदर रख रखे अंडर आर्म्स में के, एज वेल एज रिएक्टम कैविटी के आसपास थर्मामीटर रख के चेक करते हैं तो फीवर का जो हाई टेम्परेचर है तो इस टाइप के भी जो थर्मल स्क्रीनिंग के जो अलग अलग होते हैं मशीन्स उससे भी आप चेक कर सकते हैं पर्सनस का टेम्परेचर कि 37 के आसपास है बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल कंडीशन है 37 से ऊपर आ रहा है टेम्परेचर तो वो इंडिकेट करेगा हाई टेम्परेचर माइल्ड फीवर कहा जाएगा वो कंडीशन और जब ये टेम्परेचर आप ये थर्मल स्क्रीनिंग वाले मशीन से चेक करते हैं और वहीं पे डिस्प्ले पे इंडिकेशन आ ही जाएगा रेड कलर का और वो कंडीशन कही जाएगी हाइपर पायरेक्सिया हाई फीवर या फिर फीवर और जिसका टेम्परेचर 38 से लेकर 39 और उससे भी ज़्यादा कि जो हमारा ये टेम्परेचर चार्ट है उसके अकॉर्डिंग टू अलग अलग इंक्रीज होगा तो इसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल है कि स्पेशली आप उसका डायग्नोस कर सकते हैं पर्सन का टेम्परेचर और डायरेक्टली ये कलर कोड से भी आपको दिखा देता है कि जो ग्रीन वाला है तो नॉर्मल फिर समझे कि ऑरेंज कलर आ रहा है तो माइल्ड फीवर है एंड जब रेड कलर है तो फीवर या फिर हाई फीवर की कंडीशन आगे बढ़ती जा रही है किसी पेशेंट की और नॉर्मली हंड्रेड पॉइंट फोर डिग्री फेरन तो वह हम कम करते हैं फीवर को तो फीवर होने के जो कॉजेस है रीजन्स है वो हम जानते हैं कि वॉट इज द रीजन बिहाइंड फीवर तो सबसे पहले तो द मोस्ट ऑफ द फीवर्स। इंफेक्शन के कारण फीवर होता है वी गॉट ए फीवर हमें फीवर होता है बिकॉज आवर बॉडी इज ट्राइंग टू किल द वायरस और बैक्टीरिया दैट कॉज द इन्फेक्शन क्या भी जो मैंने आपको प्रॉपर एक थियरी समझाई कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रॉपर इम्यून सेल्स ये इम्यून सेल्स प्रॉपर उसकी आर्मी भेज देते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल एंटीजन एंटर होते हैं और एंटीजन मतलब कि ऐसे ही कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया तो ये एंटीजन बॉडी के अंदर कर सकते हैं किसी भी टाइप का इन्फेक्शन तो ऐसी uh, कंडीशन में हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके सामने फाइट बैक करने लग जाता है एंड उसी दौरान हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है तो ये कैसे बेनिफिशियल है वो आप समझते हैं तो मोस्ट ऑफ़ दस बैक्टीरिया एंड वायरस डू वेल वेन योर बॉडी इज़ एट योर नॉर्मल टेम्परेचर कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो वो टेम्परेचर पे यह माइक्रो की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है मतलब कि उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है अपनी ग्रोथ करने के लिए बट जब टेम्परेचर हाई हो जाता है हमारा बॉडी का इफ हैव ए फीवर इट इज हार्डर फॉर देम टू सरवाइव और जब टेम्परेचर हाई होता है कि जो 37 से इंक्रीज होके एटलीस्ट 38 भी होता है या फिर 38.5 भी होता है तो भी वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम है उनको सर्वाइव करना हार्डर हो जाता है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो काफ़ी इजिली ग्रो कर जाते थे बट उनका ग्रोथ रेट जो है वो डाउनफॉल में जाएगा ड्यू टू दिस हायर टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी उसके साथ जो फीवर से ऑल्सो एक्टिवेट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम स्पेशली जो डब्ल्यू uh, है उनको इंक्रीज करने का काम करते हैं हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं इम्यून सिस्टम को कि जिससे अच्छे से फाइट बैक हो सके इस टाइप के हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सामने थर्स द बॉडी विल स्टार्ट टू फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजेंस और फिर हमारी जो बॉडी है वो स्टार्ट करने की फ़ाइट करना अगेंस्ट दैट पैथोजेंस तो ये है फीवर कि जो ऐसे कंडीशन कि जिसके अंदर बॉडी टेम्परेचर हाई होता है और ये भी हमारे लिए बेनिफिशियली ही होता है कि जब कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारे बॉडी को टारगेट करती है कि लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस तो उनकी ग्रोथ नॉर्मल टेम्परेचर पे काफ़ी अच्छी हो जाती है तो इफ़ वी हैव ए फीवर इट इज़ हार्डर फॉर देम टू सर्वाइव एंड फीवर आल्सो एक्टिवेट आवर बॉडीज़ इम्यून सिस्टम तो फीवर होने के कारण और जान लेते हैं दूसरे कोजिस तो वायरस फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके बाद हीट एक्सडोसन सर्टन इन्फ्लामेटरी कंडीशन एज रोमेटोड आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ योर जॉइंट्स की जिसको हम कहते हैं साइनोवियम आर्थराइटिस के बारे में ऑलरेडी हमने डिटेल में सिखाई है रोमिटेड आर्थराइटिस आप जो है वो पैथोफिजियोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में जाके सभी ये लेक्चर्स जो है वो देख सकते हैं तो यहाँ पे चार्ट वाइज भी दिया है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है एक वैक्सीनेशन वाला रीज़न फिर ओवर हीटिंग ऑफ द बॉडी डिहाइड्रेशन के कारण भी फीवर होता है रोमेटेड आर्थराइटिस सर्टेन मेडिकेशंस के कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट के तौर पे भी फीवर हो सकता है फिर कैंसर ऑटोइम्यून डिसीज ड्रग एब्यूज अल्कोहल विड्रॉवल क्या अल्कोहल की आपको हैबिट थी और अल्कोहल विड्रॉल किया है तो उससे भी आपकी बॉडी को जो है वो ऐसी कंडीशन में से पास होना पड़ेगा फीवर की कंडीशन वायरल इन्फेक्शन जब होता है कफ एंड कोल्ड तो उस वक्त ऑब्वियसली फीवर हो गया बिकॉज उस वक्त हमारे बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते तो उस वक्त हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई हो ही जाता है फिर साइनसाइटिस के अंदर भी पेशेंट्स को होता है चिकन पॉक्स के अंदर भी होता है मलेरिया के अंदर बिकॉज मलेरिया के पैरासाइट्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं न्यूमोनिया में भी सेम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस गैस्ट्रो एंटेराइटिस स्किन इन्फेक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज मतलब कि ऐसे बहुत सारे रीजनस है कि जिसके कारण हमें फीवर होता है फिर मेलिग्नेंट ट्यूमर है सम एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर और सीजर्स कि कुछ ऐसे मेडिकेशंस कि जिसके भी साइड इफेक्ट के तौर पे फीवर होता है एंड सम इम्यूनाइजेशन सच एस डिपथीरिया टिटेनस एंड एसेल्यूलर पर्टुसिस की जिसको हम डी कहते हैं और न्यूमोकोकल वैक्सीन्स तो यहीं पे हमने देखा ये वाला फर्स्ट कोज की अलग अलग जो इम्यूनाइजेशन से कि वैक्सीनेशन है उसके कारण भी फीवर आना नॉर्मल है तो सिम्टम्स क्या होते हैं फीवर के तो स्वेटिंग पसीना होता है आपको चिल्स एंड सीवरिंग कई बार ठंडी भी लगती है काफी ठंड लगती है आपको हेड मसल एक ने मसल एचिस मतलब कि मसल्स पेन होना लॉस ऑफ हेपेटाइट इरिटेबिलिटी डिहाइड्रेशन एंड जनरली वीकनेस तो यहाँ पर कौन से पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अफेक्ट होते हैं तो सबसे पहले ऊपर की ओर देखे तो हेड एक फिर आइज रिलेटेड आइज पेन होना कि आँखों के अंदर पेन होना स्टार्ट हो जाता है रेसिस जैसा होता है कई बार नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होता है आपको मसल्स पेन होते हैं फिर बॉन के अंदर भी आपको काफ़ी पेन होता है एंड ऑल्सो द जॉइंट पर मतलब कि पूरी बॉडी हमारी पेन करती है हेड एक होता है आइज के अंदर पेन होता है रेसिस नोजिया वॉमिटिंग जैसा होता है कि जब किसी पर्सन को फीवर होता है और जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से हाई होता है और वो समझो कि हो जाता है थर्टी एट डिग्री सेल्सियस और उससे ज्यादा डायग्नोसिस कैसे होगा तो आस्क क्वेश्चन अबाउट योर सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री कि जब भी पेशेंट को आप आ, किसी हॉस्पिटल ले जाते हैं क्लिनिक ले जाते हैं तो सबसे पहले जो भी प्रैक्टिसनर है मेडिकल प्रैक्टिसनर वो सबसे पहले पेशेंट को कुछ क्वेश्चंस करेगा बेज ऑन द सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री फिर टेम्परेचर मेजरमेंट होगा यूजिंग द थर्मोमीटर परफॉर्म ए फिज़िकल एग्जामिनेशन की जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है यूजली एंड जरूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट किया जाता है कि आगे कोई कंडीशन ऐसे ज़्यादा ख़राब है तो मलेरिया है या फिर डेंगू है या फिर दूसरी कोई ऐसी कंडीशन की जिसके कारण फ़ीवर हो सकता है तो वो कन्फर्मेशन के लिए बिकॉज टाइफाइड में भी फीवर हो सकता है जॉन्डिस में भी हो सकता है बहुत सारी ऐसी अलग अलग डिसीज है कि जिसके अंदर भी फीवर हो सकता है तो कन्फर्मेशन के लिए फिजिकल uh, एग्जामिनेशन के बाद ब्लड टेस्ट किया जा सकता है चिस्ट एक्सरे लिया जाता है एज नीडेड बेज ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन की मेडिकल हिस्ट्री तो खास ली जाती है कि मेडिकल हिस्ट्री में जो भी जो पता चलता है प्लस आपके सिम्टम्स कैसे हैं उसके बेसिस पर फर्दर जो है वो डिटेल डायग्नोसिस भी किया जाता है तो यह था डायग्नोसिस ऑफ द फीवर अब बात आती है ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन है फीवर के लिए तो सबसे पहले मेडिकेशंस तो प्राइमरी ऑप्शन है हमारे पास देन प्रॉपर न्यूट्रिशंस की मेडिसिन तो हम देते ही जो पेशेंट है उसको तो प्रॉपर मेडिसिन से तो हम उसको ट्रीट करेंगे ही कि ये जो हमारा पेशेंट है पेशेंट ऑफ ए फीवर तो ये जो फीवर का पेशेंट है उसको हम मेडिसिन तो देंगे ही मेडिसिन के अंदर भी हमें पता ही है कि खासकर हम पीसीएम की जो पैरासीटामोल है एसिटामिनोफेन आईब्रोफेन वगैरह खास प्रीफर करवाते हैं और एक बात तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि जब तक पैरासीटामोल से फ़ीवर क्योर हो जाता हो दूसरी कोई भी मेडिकेशन देने की ज़रूरत नहीं रहती तो सबसे पहले मेडिसिन फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन हम देते हैं पेशेंट को कि लाइक फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं कुछ के जो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें फिर एनर्जी ड्रिंक्स हम देते हैं स्पेशली कि जो एनर्जी ड्रिंक्स के कारण जो पेशेंट जो समझो कि डिहाइड्रेशन जैसा उसको होता है डिहाइड्रेशन से फीवर है तो उस वक्त काफ़ी जरूरी है इवन नॉर्मल भी फीवर के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स देना बहुत ही जरूरी है कि जिसके कारण जो पेशेंट की जो स्टेमिना है वो बनी रहती है कि जो पेशेंट का प्रॉपर स्टेमिना मेंटेन करने के लिए प्रॉपर स्टेमिना मेंटेन रहे इसलिए एनर्जी ड्रिंक न्यूट्रिशंस के लिए खासकर जो अलग अलग फ्रूट्स उसमें भी जो औरजेस होते हैं एप्पल है, है वगैरह आप जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं देन रेस्ट अच्छे से जो पेशेंट है वो रेस्ट करें कि जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो प्रॉपरली रेस्ट कर रहा है और बीच बीच में आप उसका टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं नीड प्रॉपर स्लीप फिर आइस वाटर बैग यहाँ पे आप देख सकते हैं आइस वाटर बैग या फिर आइस बैग भी आप रख सकते हैं पेशेंट के आ, हेड के पोर्शन में तो जिससे टेम्परेचर जो है वो लोअर लाने में हम काफ़ी मदद होती हेल्दी है हेल्दी डाइट प्रोवाइड करिए उसको एंड प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर रखिए कि प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम हो कि फ्रेश एयर आ रही हो कि वेल एंड वेल वेंटिलेटेड रूम वेल वेंटिलेशन फ्रेश एयर मिले पेशेंट को वो भी जरूरी है फ्रेश एनवायरनमेंट जितना मिलेगा था वो काफ़ी जल्दी से रिकवर करेगा तो रेस्ट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स इन माइनर कंडीशंस मेडिकेशन इजेंट नीडेड ऑन अर्जेंट बेसिस कि माइनर कंडीशन है तो अर्जेंटली कोई भी आपको मेडिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि गेट सम रेस्ट यहाँ पे लिखा है स्पॉन्ज योर बॉडी कीप योर फ्लूड इन टैक इन चेक एंड कीप योर लिविंग स्पेस वेंटिलेटेड के प्रॉपर वेंटिलेटेड आप स्पेस रखिए फिर कॉल द डॉक्टर इफ द फीवर इज सीवियर माइनर कंडीशन में मेडिकेशन की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ती जस्ट आप ये स्पॉन्ज आते हो आप किसी पर्सन की बॉडी को फ्लूइड्स देते हैं रेस्ट करवाते हैं प्रॉपर वेंटिलेटेड स्पेस में आप रहते हो तो ऑटोमेटिकली विदाउट मेडिकेशन वो क्योर हो जाएगा बट ये एकदम माइनर है बट जब कंडीशन सीवियर हो जा रही है तो सीवियर कंडीशन आपको कैसे पता चलेगी तो हेडेक हो रहा है काफी हेड हो रहा है आपको स्टीफ नेक कि आपका जो गला का जो पोर्सन है नेक का पोर्सन काफ़ी स्टिफ हो रहा है मतलब कि जो अकड़ जाती है गर्दन अकड़ जाती है वैसा हो रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है और अदर अनयूजल साइंस और सिम्टम्स यू डेवलप कि जब आप ऐसे साइन और सिम्टम्स डेवलप करें कि जो काफ़ी सीवियर लग रहे हैं तो उस वक्त आपको जरूर से हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कांटेक्ट करना चाहिए फिर वी लाइट एरी क्लोथ्स एवर गोइंग टू क्राउड ड्रेसिस कवर योर माउथ एंड नोज ये जरूरी है मास्क पहनना खास एंड एवॉड द स्मोकिंग तो ये है ट्रीटमेंट ऑफ फीवर मेडिसिंस के बारे में जाने तो एंटीपायरेटिक मेडिसिंस कि की जिसको कहते हैं कि हम एनालैसिक एंड एन एंटीपायरेटिक्स एन पायरेटिक्स जेसिक एंड एन एंटी पायरेटिक्स की ऐसी मेडिसिन की जो ओ टी सी अवेलेबल हो जाती है ओवर द काउंटर एंटीबायटिक इंक्लूड्स एसिटामिनोफेन एंड द नॉन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरन आईब्रोफेन एंड नेपरसैन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैरासिटामोल्स की टैबलेट एसिटामिनोफेन की जिसको हम पी सी एम भी कहते हैं पी सी एम इज इक्वल टू एसिटा एमिनोफेन वही है हमारी पैरासीटामॉल या फिर पीसीएम की जो वाइडली यूज होती आ रही है पैरासिटामॉल फीवर के ट्रीटमेंट के अंदर उसके साथ नसीड्स नॉन स्टल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरिन है आइबुप्रोफेन नेप्रोक्सेन भी प्रीफर किए जाते हैं एसिटामिनोफेन एंड आइबुप्रोफेन आर द टू मोस्ट वाइडली यूज एंटीपायरेटिक्स कि आइबुप्रोफेन एसिटामिनोफेन की जिसको हम टाइलेनोल और पैरासीटामॉल भी कहते हैं एंड आइब्रुफेन की जिसको हम एविल भी कहते हैं तो आईब्रुफेन टैबलेट्स पेन रिलीवर एंड फीवर रिड्यूसर और नसेड लिखा है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की जो कोटेड टैबलेट्स भी आती है फिल्म कोटेड भी होती है नॉर्मल टैबलेट भी होती है कन्वेंशनल तो ये है मेडिसिन ऑफ फीवर की जो ओटीसी है पैरासिटामल के बारे में और डिटेल में जाने तो कि जिसका दूसरा नाम है एसिटामिनोफेन मेडिकेशंस यूज टू ट्रीट पेन एंड फीवर तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आपको फीवर होता है तो जस्ट ओनली प्लेन पैरासिटामल भी आप यूज करोगे नॉर्मल जस्ट फीवर जैसी कंडीशन है सीवियर नहीं है तब जस्ट आप को पेन हो रहा है थोड़ा बॉडी के अंदर फीवर के सिम्टम्स है तो सिर्फ प्लेन पैरासिटामल लेंगे आप फाइव हंड्रेड एम जी स्ट्रेंथ का टू टाइम्स से डे लेंगे तो भी इनफ रहेगा कि फाइव हंड्रेड एम जी इन मॉर्निंग आफ्टर प्रॉपर ब्रेकफास्ट वगैरह आप ले सकते हैं एंड सेम आफ्टर लंच और डिनर एक और आप टेबलेट ले सकते हैं इन नाइट और आफ्टर लंच और डिनर बेज ऑन योर कन्वीनियंसी तो टू टाइम्स अ डेबी आप ले सकते हैं ये मेडिसिन प्लेन भी प्रिफर कर सकते हैं एज वेल एज इट इज़ टिपिकली यूज फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट पेन रिलीव एविडेंस इन मिक्सड फॉर इट इज़ यूज रिलीव फीवर इन चिल्ड्रन के चिल्ड्रंस के अंदर उसका डोज जो है वो हंड्रेड एम जी से लेकर वन ट्वेंटी फाइव एम जी हो जाता है लो डेज में हम चिल्ड्रंस को देते हैं पैरासीटामोल की जो एडल्ट के अंदर 500 हंड्रेड एम टैबलेट है तो पैरासिटाम कीड आएगी कि जिसको पैरा कीड भी अवेलेबल होती है पैरासिटामॉल कीड इट इज ऑफन सोल्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर मेडिकेशन लाइक पैरासिटामॉल एंड सेट्रीजिन कि सेट्रीजिन की जो कि कॉफ एंड कोल्ड के साथ आपको फीवर है तो पैरासिटामॉल के साथ कॉम्बिनेशन में सेट्रीजिन या फिर पैरासिटामॉल के साथ कॉम्बिनेशन में सी की जिसको कहते हैं हम क्लोरफिनारेमाइन उसके अलावा कुछ और पॉपुलर कॉम्बिनेशन देखे पैरासीटामल के तो पैरासीटामल का जो कॉम्बिनेशन है वो रहता है कैफिन के साथ जिसके अंदर टैबलेट के अंदर फाइव हंड्रेड एम जी पैरासीटामल एंड ट्वेंटी फाइव एम जी कैफिन डाला जाता है दूसरा एक कॉम्बिनेसन है पैरासीटामल विथ डॉम पैरिडॉन की जब नोज़िया वॉमिटिंग भी है तो साथ में कॉम्बिनेशन में ये डॉम पेरीडॉन फिर कोडिन फॉस्पेट थर्टी एम जी थ्री ट्वेंटी फाइव एम जी पैरासिटामोल एसिक्लोफेन के साथ उसका कॉम्बिनेशन काफ़ी फेमस है कि एसिक्लोपेन एक एंड थ्री ट्वेंटी फाइव करना है यहाँ पे ब्लैक पेन से कर लेते हैं तो आपको आसानी रहेगी स्क्रीन शॉट लेने में तो यहाँ पे पैरासीटामोलॉल थ्री ट्वेंटी फाइव एम आपको कर लेना है थ्री ट्वेंटी फाइव एम जी उसके बाद पैरासिटामोल फाइव हंड्रेड एम जी एंड डाई फिनाइल हाइड्रेमाइन ट्वेंटी फाइव एम जी फेन फिनाइल एफेरिन एच सी एल एंड कैफिन यह पूरा एक कॉम्बिनेशन यहां पे आप देख सकते हैं कि पैरासिटामोल यह आर एक्स रहेगी बिकॉज उसके साथ दूसरी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कॉम्बिनेशन में है फिनाइल एफ्रिन, कैफिन है डाइफिन हाइड्रेमाइन जो है कि जो कई बार अस्थेमेटिक पेशेंट्स के लिए भी प्रिस्क्राइब की जाती है कि उस वक्त पेशेंट को फीवर वगैरह है फिर पैरासीटामोलॉल का जो कॉम्बिनेशन से फिनाइल एफ्रिन के साथ भी है कि जिसके अंदर पैरासीटामोल फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट टू जितना फिनाइल एफरेन उसके साथ कॉम्बिनेशन में होता है तो ये है पॉपुलर कॉम्बिनेशन एसिक्लोफेटाम्स के टैबलेट और कुछ आप जानते हैं पॉपुलर कुछ डोजेस फॉर्म कि जो पॉपुलर डोजेस फॉर्म हम देखें तो उसके अंदर कॉप सिरप भी अवेलेबल है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरासीटामोल का आता है कॉप सिरप स्पेशली सिरप के फॉर्म में कप सिरप तो नहीं करेंगे हम नॉर्मली सिरप के फॉर्म में कह सकते हैं हम पैरासीटामोल पीडियाट्रिक सिरप की जो स्पेशली स्मॉल बेबीज के लिए एंड चाइल्ड्स के लिए हम यूज़ करते हैं कि जब उनको फीवर जैसा होता है तो सिरप या फिर सस्पेंजन फॉर्म में वो अवेलेबल होता है कि पैरासीटामोल फीनाइल हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोराम फेनिफल मेलेट सस्पेंज सीट कोल्ड कि जब आ, सस्पेंजन भी उसके अवेलेबल होते हैं प्लस उसके अलग अलग सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होती है आ, कि जो स्पेशली पीडियाट्रिक चिल्ड्रंस पीडियाट्रिक पेशेंट को हम टारगेट करते हैं ये टाइप का कॉम्बिनेसन कि जिसके अंदर 250 फिफ्टी एम जी पैरासीटामोल है हाइड्रोक्लोराइड 5 एम है एंड क्लोरफिनाइलेमाइन टू जितना उसका है और प्रॉपर डायरेक्शंस के साथ ही उसका जो डोज है वो बच्चों को देना है सेक वेल बिफोर यूज बिकॉज सस्पेंशन टाइप की प्रिपेरेशन है और सिरप में तो सिरप टाइप बनाई हो तो उस वक्त जो है वो आपको कूल cool प्रेस में रखनी होती है फिर आई वी इन्फ्यूजन्स भी अवेलेबल है पैरासीटाम के एंड तीसरा ऑप्शन है हमारे पास ओरली टैबलेट डोजेस फॉर्म तो ये था रिगार्डिंग द फीवर के पॉपुलर डोजेस फॉर्म भी हमने जाने ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सो वीडियो को अच्छा लगता है तो ज़रूर से शेयर करिए ऑल्सो व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए यह नंबर पे व्हाट्सएप करना है आपका नाम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप कर दीजिए नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स नंबर पे ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकॉन यूज़ द दमारॉक्स एंड्रॉइड अपन गूगल प्ले एज वेल एज एप्पल आईफोन फोन अपन ऐप स्टोर गेट द लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स For study material, test series, video lecture, and much more, you will get on this app.